हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन हर एक सेल डिवीजन में ज़रूरत होती है जब डॉटर को हमें डीएनए प्रोवाइड करना होता है। पेरेंटल स्ट्रैंड डीएनए टेम्पलेट बनता है इसमें और न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज होता है। डीएनए रेप्लिकेशन को सेमी कंजर्वेटिव कहा गया है क्योंकि वन स्ट्रैंड पेरेंटल आता है इसमें और नेक्स्ट स्ट्रैंड डीएनए का वो सिंथेसाइज होता है। अब हम जानते हैं ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बोनो स्ट्रैंड ही टेम्पलेट की जैसे काम कर सकती है, लेकिन एक स्ट्रैंड में कंटिन्यूअस सिंथेसिस होता है। 3-5 स्ट्रैंड कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज करती है डीएनए को और 5-3 डायरेक्शन में ये स्ट्रैंड डीएनए का डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होता है। अब हम आते हैं मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन में। डीएनए रेप्लिकेशन फर्स्ट स्टेप अनजिपिंग होता है। अनजिपिंग क्यों ज़रूरी है? क्योंकि डीएनए बिल्कुल कॉइल स्ट्रक्चर है, पैरेलल स्ट्रैंडेड कॉइल डीएनए है हमारा डबल स्ट्रैंडेड, तो दोनों स्ट्रैंड को पहले खोलने की ज़रूरत है। सबसे पहले यहाँ पे कट लगेगा, डीएनए के एक स्ट्रैंड में कट लगता है। वो कट लगाने का काम एंडोन्यूक्लिएज करता है, टोपोआइसोमेरेज पहले कट लगा देगा और ये लूज़ हो जाएगा। देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़नी है हमें, दो बेस पेयर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, ए डबल बॉन्ड टी एन जी ट्रिपल बॉन्ड सी। उसे तोड़ेगा कौन? उसे तोड़ेगा हेलिकेज। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने में हेल्प करेगा। एंडोन्यूक्लियस का को फैक्टर के जैसे काम कर रहा होता है मैग्नीशियम आयन, जो कि कट करने में हेल्प कर देता है डीएनए के सिंगल स्ट्रैंड को। एंड अब हमारा लूज ऐसा कटा हुआ डीएनए हमारे पास आ गया है, डीएनए रेप्लिकेशन को है ये तैयार। अब डीएनए रेप्लिकेशन के लिए सबसे पहले ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक साइट होता है जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी। उससे पहले ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट से इनिशिएशन पॉइंट बनेगा, वो जहाँ पे कि प्रोसेस ऑफ अनजिपिंग स्टार्ट होगी वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा। एंड देन ये हो गया हमारे पास। यहाँ पे अलग अलग तरीके की प्रोटीन होती है, हेलिक्स डिस्टेबलाइजिंग प्रोटीन, उसी को हम कहते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। ये डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन डीएनए को कॉइल होने नहीं देती है, क्योंकि अब डीएनए हमारा सेगमेंट जो है दोनों सेपरेट हो चुका है, तो आपस में वो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स फाइंड करके पेयरिंग भी कर सकता है। तो इसे प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास हेलिक्स डिस्टेबलाइजिंग प्रोटीन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन होता है, वो हमारा मदद करता है कि ये कॉइलिंग ना हो। और एंजाइम डीएनए गायरेज भी इसी में हेल्प करता है टू प्रिवेंट द सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए या सेपरेटेड डीएनए। अब हमारे नेक्स्ट स्टेप है डीएनए रेप्लिकेशन में न्यू चेन सिंथेसिस या फॉर्मेशन। न्यू चेन किस तरह से बनती है? अभी तक हमारा डीएनए ये खुल चुका है और सिंथेसिस नहीं हुई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से स्टार्ट हो गई है इसकी, ये हेलिक्स जो है वो खुल चुका है। अब देन हमारी न्यू चेन फॉर्मेशन का डायरेक्शन होता है टेम्पलेट, तो हमारी दोनों स्ट्रैंड बनेगी पेरेंटल स्ट्रैंड डीएनए की, एक स्ट्रैंड में फ्रॉम 5-3 डायरेक्शन हमारी कंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है, वेयर एज 3-5 डायरेक्शन में हमारी डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है। लेकिन अगर हमसे ये पूछा जाए कि सिंथेसिस इलोंगेशन का डायरेक्शन क्या होता है डीएनए में, तो डायरेक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ चेन पूछेगा, तो हम बोलेंगे 5-3 डायरेक्शन में चेन इलोंगेशन होता है हमारे। इसमें भी देख रहे हैं हम, ये डायरेक्शन दिखाया है, यहाँ पे इलोंगेशन होगा 5-3 डायरेक्शन में। इलोंगेशन से पहले कैसे शुरू हुई इलोंगेशन? यहाँ पे आरएनए प्राइमर्स आके जुड़ जाते हैं, छोटे छोटे आरएनए प्राइमर्स जो कि आरएनए पॉलीमरेज से इंक्रीज हो जाएंगे साइज में, और बाद में आरएनए पॉलीमरेज को एनर्जी चाहिए। आरएनए पॉलीमरेज एनर्जी कहाँ से देगा? न्यूक्लियोप्लाज्म में काफ़ी सारे डीऑक्सी एटीपी, डीऑक्सी गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी थायमिडीन ट्राइफॉस्फेट, ये सारे प्रेजेंट होते हैं। तो ये ट्राइफॉस्फेट सिंगल फॉस्फेट में और डबल फॉस्फेट में टूट जाएंगे, दो फॉस्फेट एक साथ और एक फॉस्फेट अलग हो जाएगा, तो हमें ये एनर्जी मिल जाएगा, एक फॉस्फेट से हम एनर्जी ले लेंगे। और न्यूक्लियोटाइड्स बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, वही इसमें चेन इलोंगेशन में भी हेल्प करेंगे और एनर्जी भी हमें प्रोवाइड कर दी है। अब हमारे पास एक और डीएनए पॉलीमरेज 3 कैटेलाइज करता है पूरी की पूरी इस डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस को।
प्रोकैरियोट्स में थ्री टाइप के डीएनए पाए जाते हैं। डीएनए पॉलीमरेज वन, वो बेसिक वो प्रोटीन हमारी डीएनए के रिपेयर में हेल्प करता है, मेन रिपेयरिंग एंजाइम है। डीएनए पॉलीमरेज टू, ये ज़्यादा फंक्शनल नहीं होता है, बस जब डीएनए पॉलीमरेज वन और डीएनए पॉलीमरेज थ्री नहीं होते हैं प्रेजेंट, तो डीएनए पॉलीमरेज टू बेसिक तब वो काम करता है रिपेयरिंग एंजाइम के जैसे, एंड डीएनए पॉलीमरेज थ्री ये कैटेलाइज करता है पूरी रेप्लिकेशन प्रोसेस को। इस तरीके से हमारा दोनों चेन बन जाता है। अब हमारा लैगिंग स्ट्रैंड ने छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में सिंथेसिस की है, इसको जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेज हम ले आते हैं, और डीएनए लाइगेज से हमारे पास एक और एक कंप्लीट स्ट्रैंड डीएनए का सिंथेसाइज हो जाता है। दिस वे हमारी रेप्लिकेशन प्रोसेस इज़ नाउ कंप्लीटेड। नाउ मीट यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।